नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। कोडरमा थाना के मरकच्चो क्षेत्र से एक घटना सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि आपसी जो पारिवारिक रंजिश के कारण एक महज 18 वर्ष के लड़के की जान ले ली गई है। उसे साजिश का के तौर से उसका एक्सीडेंट कराया गया, जिसके बाद उसके शरीर को काट दिया गया, जिसे लेकर आज उनके परिजन यहां पर आए हैं। उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर वो हर एक जगह पूरे झारखंड के अलग अलग प्रशासन के पास गए। कोडरमा के एसपी डीएसपी से उन्होंने मुलाकात की, यहां तक कि वो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के पीए से भी उन्होंने मुलाकात की, जहां पर उन्हें कहा गया कि आप 15 दिनों के बाद पुनः यहाँ पर आए और एक याचिका यहाँ पर दायर करें। ये मामला कोडरमा डिस्ट्रिक्ट मरकच्चो थाना ग्राम जामू के अंतर्गत सूरज कुमार साव जो कॉलेज में पढ़ता था, वो गांव गया और गांव के जो हत्यारोपी लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, वो लड़का को बोला कि तुमको भी चलना है बारात में, और बारात में ले जाया गया, जबकि उसको निमंत्रण नहीं मिला था, क्योंकि वो उसका पिताजी के साथ अनबन चल रहा था गोतिया का, तो उसके साथ निमंत्रण उसका नहीं था। फिर जिस शादी घर में ले गया, फिर उसको खाना नहीं खाने दिया गया, फिर उसको मार दिया गया, फिर उसका सड़क एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। हालांकि एक एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये लोग, जब सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है, प्रशासन नहीं बात मान रही है, तो ये लोग अब एक आंदोलन को उतारू हो चुके हैं, आंदोलन पर आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि उस कार की तस्वीर है जिसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया है, और यहीं से 5 किलोमीटर दूर पर, इसी कार से 5 किलोमीटर दूर पर उनकी शरीर के जो अंग है वो भी कटे हुए मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं। तो इन्हें ये शक है कि 5 किलोमीटर दूर जाकर उनके शरीर के अंग कैसे कट गए, जबकि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि इस कार की जो दुर्दशा है, उस हिसाब से उस गाड़ी पर जितने लोग सवार थे, उन सवारियों को भी चोट लग सकती थी, लेकिन किसी भी एक भी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंची है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसकी जान गई है। उसे लेकर आज यहां पर परिजन मौजूद थे, जिन्होंने उनसे बातचीत कही। आपने देखा कि वो किस तरह से रो रहे थे। उनका कहना है कि वो जो बच्चा है, वो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी भी इनका रोना, इनके आंसू कम नहीं हो रहे हैं, ये रो रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सर, वो हत्या छोड़ के और कुछ नहीं, साजिशकर्ताओं का द्वारा साजिश होता है वहाँ उस गांव में, और सैकड़ों महिलाओं की हत्या की जाती है, जो बाहर गांव की लड़कियाँ जाती हैं उस गांव में, उनकी भी हत्या हो जाती है, और इस लड़का का साजिश के तहत हत्या हो जाता है। ये हत्या है, जो पुलिस का कहना है कि वो सड़क दुर्घटना है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस स्थल पर मैं गया हूँ, गाड़ी में एक बूंद भी खून नहीं मिला है, और जो सीट पर बैठे थे, तौलिया भी जरा सा भी खरोंच तौलिया आपको नहीं आया है। सामने बोलते हैं कि शीशा से कट गया, तो उनको गवाही लगा दिया जाता है, क्योंकि साजिश के तहत, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, गवाही से कहवा दिया जाता है कि सिर शीशा से कट गया। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि इसकी पूर्ण बड़ी न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय न्याय जांच हो, जिसमें सभी लोगों से पूछताछ हो और सारी चीज़ें सामने आ सके, तो ही वो पीड़ित परिवार जी पाएगा, अन्यथा वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अभी वो धरने पर बैठा हुआ है मरकच्चो थाना के ठीक सामने, और 11वां दिन उसका हुआ है, 10 जुलाई से वो बैठा हुआ है उस जगह पर। देखा आपने, आज 11 दिन हो गया है वो मरकच्चो थाना क्षेत्र में वो लोग धरना पर बैठे, क्योंकि अब सरकार भी इनकी बातों को नहीं मान रही। आप देख रहे हैं लगातार कि उनके परिजन है, उनके भाई है, उसके बावजूद इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, जिसे लेकर वो कोडरमा से, आप सोच सकते हैं कि इस कोरोना काल में ये कोडरमा से यहाँ आए हैं, सरकार से एक आस लेकर कि शायद इन्हें न्याय मिले। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस पर न्याय लेती है, और या फिर बाकी की तरह जितने भी केसेस हैं, फिर चाहे वो रूपा तिर्की का मामला हो या स्टेन स्वामी का, जिस तरह से इस पर झारखंड की सरकार, सूबे की सरकार मौन साधी हुई है, चुप्पी साधी हुई है, उसी तरह इस छोटे से 18 वर्ष के युवा के लिए भी चुप्पी साध लेती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन कृतिराज के साथ, रांची।